जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इसमें, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप भी MPPSC, MPSI, MP+, MP जेल प्रहरी व्यापम से संबंधित कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एन अकेडमी लेकर आई है फ्री लाइव क्लास फेस्टिवल। आपके लिए यहाँ पर 3 दिन 28, 29 और 30 नवंबर के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास, फ्री क्लास है आपके लिए एन अकेडमी के द्वारा। तो आज ही एन अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए बता दें कि अन अकेडमी जो ऐप है आपके लिए, अन अकेडमी यह 3 दिन के लिए फ्री स्पेशल क्लास लेकर आया है जिसमें आपके लिए एमपी के टॉप एजुकेटर हैं जो उनके माध्यम से आपके यहाँ पर MPPSC और व्यापम से संबंधित जो भी परीक्षा है उसमें आपके लाइव क्लास के माध्यम से सभी विषयों पर MPG के हिस्ट्री और करंट अफेयर, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी और टॉप MCQ सेशन, फ्री टेस्ट सेशन जिसके द्वारा आपकी अपनी जो तैयारी है वह अच्छी बना सकते हैं आप। यहाँ पर यह जो लाइव क्लास है इनका फायदा लेने के लिए आप अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें या और इसके बाद आपको जो है क्रिएट ए फ्री अकाउंट है, इसमें अकाउंट बनाना है और इसमें आपसे जो कोड मांगा जाएगा तो उसमें आपके लिए सुमित जैन यह कोड यूज करना है। और यहाँ पर देखिए जो मिशन रैंक सीरीज है इसमें आपके लिए फ्री स्पेशल क्लास है। का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 2017 में बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 में भारत कौन से स्थान पर है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर है, डी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने इंडोनेशिया ओपन 2017 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसने इंडोनेशिया ओपन 2017 का खिताब जो है जीता है। तो आपका सही आंसर है क्या है, विकल्प नंबर सी, सी में क्या है, किदांबी श्रीकांत आपका यहां पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदस्यता दी गई है? तो किस देश को यह आपके लिए बताना है, किस देश को यह सदस्यता दी गई है? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का खिताब जो है किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैंपियन ट्रॉफी जो है इसका जो 2017 में जो खिताब था किसने जीता है आपके लिए बताना, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड या श्रीलंका? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि पाकिस्तान आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह बताना है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है 24 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। तो जवाहर सागर जो बांध है यह किस नदी पर है? यह है आपका चंबल नदी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है? यह आपके लिए बताना है, सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 25 और 25 का सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या कोच्ची? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यह बताना है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? डल झील, मानसरोवर झील या शेषनाग झील या बुलर झील? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर बी यानी कि मानसरोवर झील। जी हाँ, मानसरोवर झील आपका यहाँ पर सही आंसर है, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम है मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है अपने यहाँ पर कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी, चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, ब्रह्मपुत्र, नील, अमेजन या गंगा?
तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है नील, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नील जो है नदी है, संसार की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह है अपना त्याग पत्र किन्हें देगा, तो किसको देगा है आपके लिए बताना है कि यदि राष्ट्रपति अपनी अपना जो त्याग पत्र है वह देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा, प्रधानमंत्री को या स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को या भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति को। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आपका राइट आंसर होगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है यह आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 29 से बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, अकबर का मकबरा बताना है आगरा में या सिकंदरा में या आपका फतेहपुर सीकरी या दिल्ली। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है अकबर का जो मकबरा है वह है सिकंदरा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी, यह सड़क की योजना किसने बनाई थी यह आपके लिए बताना है, चंद्रगुप्त ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो चार विकल्प भी दिए गए हैं, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प नंबर बी, यानी कि शेरशाह सूरी। बिल्कुल सही, आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है, चीनी का कटोरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य बताइए आप चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यहाँ पर सही आंसर होगा यानी कि उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है इसको चीनी का कटोरा, भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है इसको, उत्तर प्रदेश को। और किस देश को कहा जाता है चीनी का कटोरा, तो देश को जो कहा जाता है क्यूबा, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भौगोलिक दृष्टि से बताना है, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है तो कौन सी, हिमालय है या विंध्याचल है, अरावली है या सतपड़ा है। तो चार विकल्प आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि अरावली। जी हाँ, अरावली आपका यहाँ पर राइट आंसर है, अरावली जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है, दलाल स्ट्रीट बताना है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा, मुंबई, दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 33, और दलाल जो स्ट्रीट है कहां पर है, मुंबई, यानी कि विकल्प नंबर एक आपके यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है नासिक में किस नदी के किनारे है आपके लिए बताना है, गंगा, सतलज, महानदी या गोदावरी। तो चार विकल्प हैं, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर डी, यानी कि गोदावरी। गोदावरी आपका जो विकल्प नंबर डी दिया गया है वह राइट आंसर है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है, तो गोदावरी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने, तो नहीं बने यहाँ पर आपके लिए नहीं बताना है, नहीं बने तो कौन नहीं बने। चार विकल्प हैं आपके सामने, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक या बदरुद्दीन तैयब जी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर जो सही आंसर है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे यह आपके लिए बताना है, चित्तरंजन दास या बाल गंगाधर तिलक या राणा डे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 36 है और चार विकल्प भी दिए गए हैं, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु बताना है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वह कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने। चार विकल्प हैं, 31 मार्च, 30 मार्च, 25 मार्च या 6 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी यानी कि 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य देश का पहला बाघ अभ्यारण्य बना जिसका अपना शुभारंभ होगा? तो कौन सा वह अभ्यारण देश का पहला बाघ अभ्यारण आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 से अपने यहाँ पर चार विकल्प भी दिए गए हैं और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि कान्हा बाघ अभ्यारण है। आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह राव से नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? चार विकल्प है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नरसिंह राव से नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है यह आपके लिए बताना है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर है स्वामीनाथन अंकलेसारिया। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी जो है यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है, क्रिकेट से, शतरंज से है, बैडमिंटन से। चार विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 40 है। तो जो सुब्रतो कप है यह किस खेल से संबंधित है यह आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, आपका सही आंसर है। तो आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें, आपको यहाँ पर एमपी के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके माध्यम से आपके यहाँ पर जो है सभी विषयों से संबंधित यहाँ पर 28, 29 और 30 नवंबर को यहाँ पर फ्री क्लास चल रही है, फ्री लाइव क्लास। अमित शुक्ला जी हैं, शुभम जी हैं और सुदामा जी हैं, जिनके माध्यम से आपके यहाँ पर हिस्ट्री, करंट अफेयर, एमपी जीके, पॉलिटी साइंस और एमपी जीके जो है सभी यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ पर रूप सर जी हैं, हरि सिंह जी हैं, दिनेश ठाकुर जी हैं, जो आपके लिए टेस्ट सीरीज फ्री स्पेशल क्लास के माध्यम से यहाँ पर एमपी जीके और हिस्ट्री, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन के। तो इस प्रकार आपके लिए यहाँ पर आज ही आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें और बहुत सारे सर हैं जो एमपी के टॉप एजुकेटर हैं उनके माध्यम से आपकी यहाँ पर तैयारी बहुत ही अच्छी बन सकती है। 3 दिन है आपको यहाँ पर मौका का फायदा उठाएं, आप 3 दिन जो अन अकेडमी ऐप है आपके लिए फ्री स्पेशल क्लास लेकर आई है। आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक दी गई है वह डिस्क्रिप्शन में, यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपके लिए पीडीएफ और बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल रहता है वह आपके लिए सभी टेलीग्राम ग्रुप में ही उपलब्ध कराया जाता है। तो आज ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।